नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी खूब चर्चा में हैं। सबसे पहले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि शिवानंद तिवारी ने यह बयान देकर सियासत में हलचल मचा दी कि तेज प्रताप अब पार्टी का हिस्सा है ही नहीं, तो दूसरी ओर जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई तो उसमें से भी तेज प्रताप का नाम आउट दिखा, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। आपने कल सुना भी उनको। लेकिन अब नई खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि तारापुर विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 में तारापुर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को संजय कुमार ने निर्दलीय से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद संजय कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का उन्हें समर्थन मिला है। तेज प्रताप यादव उनके लिए वोट मांगने और प्रचार करने तारापुर आएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी ने तमाम वादे करते हुए कहा कि तारापुर से चुनाव जीतने के बाद सुल्तानगंज घाट से हनुमना डैम तक गंगा का पानी लाने का काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। इस बार जनता का साथ मिलेगा। वर्षों से विकास के मामले में तारापुर उपेक्षित रहा है। ऐसे में संजय इससे पहले भी तारापुर से दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आरजेडी की जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम नहीं है। इससे पहले पार्टी के कई बड़े नेता बयान दे चुके हैं कि तेज प्रताप यादव अब आरजेडी का हिस्सा नहीं है। विधायक तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और खुद का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ना होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा नाम नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती का नाम तो होना चाहिए था। प्रदेश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। अब तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के दावे के मुताबिक तेज प्रताप के बगावती तेवर साफ नजर आने लगे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव और पार्टी के कई बड़े नेताओं पर यह आरोप लगाया था कि न तो उन्हें पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने दिया जा रहा है और न ही लालू प्रसाद यादव को पटना बुलाया जा रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि पिता को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। इसके बाद राजद ने तेज प्रताप यादव का बाइकआउट कर दिया। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लालू यादव का नाम सबसे ऊपर रखा गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव इस लिस्ट में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी बीच जो दावा किया है तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार ने, उसके मुताबिक अब ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव तारापुर में संजय कुमार के लिए वोट मांगने जाएंगे और उन्हीं के पक्ष में प्रचार करेंगे। आपको पिछले दिनों की अगर हम बयान की बात याद दिला दें तो शिवानंद तिवारी ने, ज्यादा दिन नहीं हुए, एक या दो दिन या तीन दिन पहले की बात है, जब शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि तेज प्रताप यादव तो कहीं राजद में है ही नहीं। उससे पहले आपने जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच विवाद की खबरें सुनी और तब से ही लेकर लगातार तेज प्रताप यादव पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया था और लालू प्रसाद यादव के लिए न सिर्फ ये कहा था कि उन्हें बंधक बनाया गया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने भाई तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा था और कहा था कि 4 से 5 लोग ऐसे हैं पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। बहरहाल, जब पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई उसके बाद से ही राजद में गहमा गहमी और बढ़ गई। तेज प्रताप यादव और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच विवाद की खबरें आप इसी बात से समझ सकते हैं, विवाद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ने कल अपनी बात ट्विटर पर भी साफ कह दी और कहा कि बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी, मेरा नाम आउट किया वो तक तो ठीक था, लेकिन माँ राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है, ये उन्हें पच नहीं रहा है। ऐसे में बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि तेज प्रताप यादव अब तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार के पक्ष में वोट मांगने जाएंगे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।